बंगाल का साथ मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। अरे शुरुआत हुआ आपका लिए, आपने आके हम लोगों को बहुत बहुत हम आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। हम आपको पार्टी को समाजवादी पार्टी को पहले अभिनंदन करने चाहूँगी कि यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था लेकिन उसको शर्म कम होता है, आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा। लेकिन आपका साथ मैं सहमत हूँ कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के इलेक्शन कमीशन को लगा के डर के डरा के जो गवर्नमेंट ले आया वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी दिन हो जा सकता है। बंगाल का आप लोगों ने मिलकर के यहां मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया, यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। हम और आप लोग मिलकर के निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम और आप लोग मिलकर के पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का वक्त आने वाला है और वही वक्त आएगा जब लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। हम सब लोग मिलकर के देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारों को बचाने के लिए हम सबको एक होना है और एकजुट रह करके इनका मुकाबला करना है। मैं सबसे पहले आपके मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका दिया है। मैं देख रहा था कि दीदी अपने कार्यकर्ताओं को देख करके जितना खुश हो करके और जिस भाव से उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, ये जो लगाव है, जो रिश्ता है एक नेता और कार्यकर्ता का, यही दल को मजबूत बनाने का काम करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय दीदी के पास ऐसे वर्कर हैं जो अपनी जान भी दे देते हैं लेकिन परवाह नहीं करते हैं। या मैं आकर के आपके बीच में खड़ा हूँ, वो याद दिला रहा है, बता रहा है कि दीदी के दिल में एक एक कार्यकर्ता का सम्मान कितना है, उसको आज भी दीदी याद कर रही हैं। यहाँ आए हर समर्पित कार्यकर्ता से मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि आपका नेता, आपकी नेता बहुत बड़ी नेता हैं। उन्होंने लड़ करके, संघर्ष कर करके, अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस दल को, इस पार्टी को आपका साथ लेकर के यहाँ पहुंचाया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग भी आपका हमेशा हमेशा साथ देंगे। जो लड़ाई आने वाले समय में होने जा रही है उसमें हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो।
पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। पहले आया था और अब आया हूँ, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आज भी कौन चला है हमारे वहाँ पे? आज भी आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। ये बम ब्लास्ट किया है। सर हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए, हम लोग घर जाना चाहता है। कितना परेशान थी घर में, कितना दिन रहेगा? मेरी ग्रैंडमदर वहाँ पे रह गई है सर। अभी भी वही पे है। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ। हिंसा से किसी को फायदा हो रहा है? नहीं सर। मम्मी पापा मणिपुर की